200 किलोमीटर की दूरी है। तो वो ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको स्ट्रैटेजिकली लाया गया है, लाकर उन जगहों पर बिठाया गया है जो जगह हमारा अभिन्न अंग है। अगर आपके घर में कुछ पागल कुत्तों के झुंड को जबरदस्ती लाके बिठा दिया जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा, बस इतनी सी बात समझने की है। इसमें ना देशभक्ति की बात है, ना सेक्युलरिज्म की बात है, ना हिंदुत्व की बात है, ये सीधा सीधा अपनी सुरक्षा की बात है जो हमें हर व्यक्ति को समझनी होगी। आपके घर में कौन रहेगा ये आप डिसाइड करेंगे, और आपके लिए कोई भी दूसरा मायका लाल नहीं है जो डिसाइड कर सकता है। वो डिसाइड तब करेगा जब हम आंख मींद के बैठे रहेंगे और किसी और को यह हक देंगे कि आप हमारे लिए निर्णय करो। तो हम क्या करेंगे ये हमें जानना है। क्या हम आंख मूंद कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, या हम इकट्ठे खड़े होकर अपनी आवाज रखेंगे और हम सक्षम हैं उनसे लड़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या हम जानते हैं हमें खतरा किन से है? और जिनको हम आतंकवादी या कुछ लोग शरणार्थी कह रहे हैं, वो शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठिए हैं जिनको जबरदस्ती आपके क्षेत्र में लाया गया है आपके ऊपर हावी होने के लिए। क्योंकि अगर वो आप पे लड़ेंगे तो ना हम पाकिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम बांग्लादेश को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम यूएन में गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई जगह ही नहीं है, ना उनका कोई देश है, ना उनकी कोई अलग कौन। बस वो 40,000 है जो कि अगले साल के मध्य तक 56,000 हो जाएंगे, 16,000 महिलाएं गर्भवती हैं उधर। आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है उनका, कितनी तेजी से वो बढ़ेंगे। 7/116 में उन्होंने हिंदुओं से जमीन खाली करा दी। हमारे बहुत लोगों को आपने देखा है यहाँ पर, जो कश्मीरी पंडित हमारे साथ आते हैं, एक कौम को खाली कराया, वहां पे सीमित नहीं हुए वो, उन्होंने केरल में, बांग्लादेश का सारा हिस्सा बंगाल के और आसाम के रास्ते से अंदर आता है, यहाँ पे नौकरी ढूंढता है। वो सिर्फ हम पे जानलेवा हमले नहीं करते, आपकी महिलाएं और बेटियां, घर की जो बहुएं और बेटियां हैं, आपकी अपनी बीवी और माँ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा आप, आपकी नौकरी और आपका दिया हुआ कर, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हर वो चीज सब्सिडी के रूप में उनको दी जाएगी, आपसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि रोने से माँ दूध पिलाती है ना, और उनको तो रोते रहने की आदत है, वो रोएंगे, आपको देना पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो वो इकट्ठा होकर दंगा करेंगे। यहाँ गोल चक्रों पे मस्जिद बना के रखी है उन्होंने, आप नहीं तोड़ सकते। मंदिर अगर एक गलत जगह पर है आप तोड़ सकते हैं, क्यों? ताकि हम शांत रहें। हमारे खून में अभी कोई गर्मी बची नहीं है, आधे लोग शायद कोमा में है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग जागृत है, जो खड़े होकर हथियार लेके किसी के घर में दंड भी हो तेल पिलाया हुआ तो आई डोंट नो कितने लोगों के घर में कोई वेपन है। आई डोंट नो, अंग्रेजों के समय में रूल बना था कि हम अपने घर में हथियार नहीं रख सकते, पर अगर अभी हमें सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार चाहिए तो हमारे घर में कुछ है? आपके घर में चाकू छुरा है, किसी को चलाना आता है? अगर आपके घर में किसी तरह का कोई हमला हो, आई थिंक इट्स ओके, अगर आपके घर में किसी तरह का कोई हमला हो, आप कितने सक्षम है उनसे निपटने के लिए? आपके घर में अभी नोएडा में 300 उठ के आ गए, वो तो भला हो योगी जी ने साफ करवाया, उनको वापस भिजवाया, पर कहीं ना कहीं तो भारत में ही गए ना। आज नोएडा है तो कल कहीं और होगा प्रॉब्लम, वो जहाँ है वहां प्रॉब्लम है, जहां पर भी वो है वो संगठित है। क्या हम संगठित हैं? क्या हम उस तरह आवाज उठा सकते हैं? क्या हमें परवाह है हमारे पड़ोसी को कोई तकलीफ होती है और कोई फलाना उनको तंग करता है तो? मेरे नेबर की बेटी को किसी ने हैरेस किया, क्या मेरे को परवाह होती है कि मैं जाकर देखूं किसने उसको तंग किया, पुलिस टाइम पर क्यों नहीं आई? हम 10 जने वहां पर 2 दिन बैठेंगे, देखो शाम को वापस अगर वो बंदा आएगा तो आज तो उसकी खैर नहीं, खबर नहीं। हम में से कौन है जिसको इतनी परवाह है कि भाई मेरे नेबर की बेटी टीनेजर है, उसके पीछे कोई यूपी सिंह करता है, हम जाएं? और अधिकतर ये इंफीजर्स एक ही कौम विशेष के होते हैं और नाम सबको पता है, रोहिंग्या भी उसी कौम विशेष के हैं, शिया भी उसी कौम विशेष के हैं, ISIS भी उसी कौम विशेष की है, नाम बताओ? एक ही कम्युनिटी है ये, जिन्होंने केरल में, केराना में, मालदा में, लगातार जहां पर भी वो बहुसंख्यक हुए वहां पर विघटनकारी हरकतें करी।
उनको ना देश से मतलब है, ना अपने पड़ोसी से मतलब है, ना जिसको वो भाई कहते कहते स्कूल में बड़े हुए और ईद के दौरान भाई जान मिल के गले मिले, उनको किसी से मतलब है। इमोशन नाम की चीज नहीं है उनके, उनको सिवाय जिहाद के कुछ समझ में नहीं आता। अब तो मौलवी और मौलाना खुलेआम पैगाम देते हैं लोगों को। तो हम जरा अपने घर के आसपास के मंदिरों की एक थोड़ी खबर ले लें, वहां पर इकट्ठे होने के बहाने एरिया के लोगों से मिले तो सही, हमें पता तो चले कि वहाँ होता क्या है, हमारे कितने लोग यहाँ हैं। कम से कम अपने लोगों को वल्नरेबल होने से बचाएं, अपने आप को स्ट्रांग करें और जहां तक हो सके अपने आप को, अपनी बहन बेटियों को किसी न किसी हथियार की ट्रेनिंग जरूर दें। कम से कम घर का चाकू पड़ा बर्बाद ना हो और आपके सामने आपकी बेटी इस तरह से नहीं। थैंक यू। भारत माता की। Yeah! Bring your